खुशामद सिर्फ तुम्हारी नहीं की जा रही, मक्खन मुझे भी लगाया जा रहा है। लेकिन मेरा नाम मलिक है, एक दफा जो फैसला मैं कर लूं फिर उसे बदलता नहीं। वैसे भी मैं इनकी रोज की बकबक से तंग आ चुका हूं। खेल खत्म करो, पर्दा गिराओ और कुर्सियां उठाओ और इन कठपुतलियों को उठाकर बाहर। हमारे पास वैसे भी चूसने के लिए रसीले और खुशबूदार आम मौजूद हैं, तो फिर इन गले सड़े आमों की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लगता है कि इब्राहिम के पास इतना पैसा है कि तुम उसके साथ ऐश की जिंदगी गुजार सकोगे? कुछ नहीं तो ऐसे मकान तो हासिल कर ही लूंगी। तुम्हें ये इतना आसान लगता है? हमारे जिस्म की नरमी और लोगों में दौड़ते खून की गर्मी सारी मुश्किलें आसान कर देती है। सुनो, तुम जरूरत से ज्यादा बोल नहीं हो। हमारी यही बेबाकी तो इन बुड्ढों की मत मार देती है, वरना बेचारी सीधी सादी बातें करने वालियां तो इनके घरों में पहले से ही बैठी हैं। ये हमारे दीवाने क्यों हैं? तो आज की डेट की सबसे अच्छी खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शिराज को। कब आ रहे हो वापस? इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं रास्ते में रहूंगी तुमसे। ठीक, सुनो मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे लग रहा है वो आ रहा है। इसका फोन कम आएगा? जी हाँ, कल ये लोग जा रहे हैं ना इस्लामाबाद, बस वही बता रही थी। हाँ, मिनिस्ट्री वालों ने बुलाया होगा, पेशी होगी, इन्फॉर्मेशन लेंगे, प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, सारी डिटेल देनी पड़ेगी। बहुत बेइज्जती होती है, बहुत बेइज्जती होती है। मैंने तो किया ये काम, तौबा तौबा। कल वो मरी वाले प्रोजेक्ट की ओपनिंग है। ओपनिंग? पैसे कहाँ से आए? पता नहीं, कह रही थी कि उसने खुद ही इंतजाम किया। आज अकाउंट में आ जाएंगे उसके 30 करोड़। खैर, अब खाना लगवाऊं आपके लिए? नहीं। किस जंजाल में फंसा दिया तुमने हसन,
और जिस दौलत का तुम ख्वाब देख रहे हो ना, वो तुम्हें मिलने नहीं वाली। वो बुढ़ा कंगला है। अरे क्या हो गया है, वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये देखो, चार बैंकों में उसके अकाउंट हैं, करोड़ों रुपए पड़े हैं, और सिंध के शहर में ना तीन जगह उसकी बिल्डिंग है, फार्म हाउस है उसका। ओ मेरे खुदाया, ये तो तुम सही कह रहे हो हसन। ये तुम्हारे पास कहां से आया? सुरंगें खोदी हुई हैं, जो दिल चाहता है मिल जाता है सब। कितना चालाक है ये इरफान, रोता तो ऐसे जैसे फकीर है और इसके पास कुछ भी नहीं है। अरे ये उसकी पुरानी आदत है, तुम उसके साथ बस साए की तरह चिपकी रहो। जाहिर है, अब मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अरे अगर तुम सेवा करोगी ना उसकी, तो हमें मेवा खाने का मौका मिलेगा। आई समझ? चल चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। चौधरी, उर्फी के अकाउंट में 30 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे थे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन। आज से लेकर शाम तक इस्लामाबाद जितनी भी फ्लाइटें जा रही हैं उनको चेक कर, पता करके माहीन और उसका शौहर कौन सी फ्लाइट में जा रहे हैं। वो दोनों कराची से बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गए ना, तुझे और तेरे गैंग को पुलिस मुकाबले में मरवा दूंगा मैं, पता कर। माहिन ने मुझे धोखा देकर अपना बदला तो ले लिया, अब वो मुझसे कोई गिला नहीं कर सकते। तुमने कुछ और सोचा है क्या? जाहिर है हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता ना मैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। और अगर ये प्रोजेक्ट मैंने शिराज से पहले शुरू कर दिया तो लोगों के दिलों में मेरे लिए एतमाद पैदा हो जाएगा। जफर, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। वो माहिन और शिराज ने मेरी प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रख दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हें किसने बताया बेटा? वो मुझे सारा ने फोन किया था, उसने बताया कि वो लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और इस वक्त मरी में मौजूद हैं। सत्यानाश, उनके पास पैसे कहाँ से आए? मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर मुझे सारा ने बताया कि उन्हें कोई पार्टनर मिल गया। बहुत बुरा, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आप क्या कर सकते थे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। हाँ बेटा, सरमाए की कमी इंसान को बेबस बना देती है। आप के लिए पानी ले आऊं? क्या ही ले आओगे? मेरा इंतजार कर रही थी ना? हमेशा की तरह अपनी हार का बदला लेने आए ना? मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब एक ताकतवर मर्द आके एक कमजोर औरत की चमड़ी उधेड़ेगा। तुम्हें पता था ना कि माहीन इस्लामाबाद चली गई है? नहीं, उसने आज ही मुझे फोन करके बताया कि झूठ बोलने वाला जहन्नम की आग में चलेगा। बताओ मुझे, आप मान लें कि आप माहिन से हार चुके हैं। मलिक किसी से हार नहीं मानता, किसी से नहीं। तुम देखना अब उसकी बदतमीजी, उसकी हठधर्मी को मैं कैसे ठीक करता हूं। तुम्हारी जगह इस घर में अब माहीन होगी। क्या मतलब है आपका? पता चल जाएगा तुम्हें मतलब। क्या करने वाले आप मलिक साहब?
मेरे बच्चे की हिफाजत कर लो। आपने किडनैपर को 50 लाख रुपए दिए थे और प्रॉपर्टी का सौदा हुआ था। सौदा नहीं हुआ था, वो पेपर रख कर मैंने किसी से पैसे लिए थे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरा बच्चा, समझने की कोशिश करो। अब आप मेरी बात सुने, मुझे आज अभी और इसी वक्त प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं, समझे आप? मेरे सामने तो ये ऐसे रोता है जैसे इससे बड़ा कंगला कोई और हो ही नहीं सकता। और इस बुड्ढे ने इस लड़के से भी इतना पैसा और जायदाद हथियार रखी है। अब देखना इब्राहिम, तुमसे ये सब कुछ कैसे और कितनी आसानी से लूंगी मैं। ये आज कैसा इसने इस टोन में बात की है? दो मुंह का सांप, इरफान की औलाद है ना, अब तो इरफान के साथ इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। इब्राहिम को धमकी दे के गई है, बताऊंगा इसको इस धमकी का नतीजा क्या होता है। सुनो, मुझे भी एक गिलास पानी देना प्लीज, लेकिन दूसरी बॉटल से। थैंक्स। तुम गई नहीं अब तक? जाहिर है इब्राहिम मुझसे शादी कर रहा है, मैंने कहाँ जाना है? क्या क्या ये बात सच है? 100%। वैसे शेरार नहीं मानेगा, उसकी किसको परवाह है, मुझे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन आई एम श्योर कि इब्राहिम अंकल को होगी, आफ्टर ऑल वो उनका इकलौता बेटा है। उसके लाइफ में तो तुम हो ना, तो फिर इस वजह से मुझे और इब्राहिम को उसकी जरा भी परवाह नहीं है, फिर वो क्यों हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचेगा? ये भी ठीक है, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। तुम्हारी माँ मेरी कैद में है माहीन, आज शाम से पहले पहले मेरे पास पहुंच जाओ, अगर नहीं आई ना तो तुम्हारी मां सारी जिंदगी मेरी कैद में रहेगी। तुमने मुझे जो कुछ भी कहना है ना, जो कुछ भी कहना है सामने आकर कहो, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। याद रखना, शाम से पहले पहले। तुम तो मेरे सामने ऐसी कहानियां सुना रहे थे जैसे तुमसे ज्यादा गरीब मजबूर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, और वो जो मलिहा कह रही थी वो क्या था फिर? तुमने उससे 50 लाख भी लिए और उसकी जायदाद भी तुम्हारे कब्जे में है। यकीनन तुमको कोई गलत फहमी हुई है। खुदा के लिए इब्राहिम, झूठ बोलना बंद करो। देखो, जो कुछ हमारे पास नहीं है ना, वो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरी अकल
और तजर्बा, उसके साथ तेरी जवानी, दोनों मिलकर दुनिया के होश उड़ा सकते हैं। उसके पास सब कुछ हमारे पास होगा, देखते जल। गैरत है इब्राहिम, देख ली ना तूने इब्राहिम की मकारी, कैसे बेटी 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 कहके तेरे को बेवकूफ बनाया है उसने। और तेरी सादगी पे मैं कुर्बान जाऊं, अपने बाप से बढ़कर उस पे इत्मीनान कर बैठी है तू। पापा मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि इब्राहिम अंकल ऐसा कर सकते। तुझे कहा किसने था कि तू उस पे यकीन कर, मेरे से ज्यादा जानती है उसको। अरे निडपड़े साथ गुजारा है, जवानी साथ गुजारी है, बुढ़ापा आ गया मुआ, अब इससे ज्यादा क्या जानूंगा, क्या पहचानूंगा उसको मैं। हाँ मुझे दुख है इस बात का है कि मैंने इन लोगों पर ट्रस्ट किया लेकिन इन लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया। इब्राहिम अंकल और शरियार ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। देख बलिया, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप अभी जिंदा है, मरा नहीं है। तेरे साथ की एक एक ज्यादती का बदला उन लोगों से मैं सूद समेत वापस लूंगा, ये मेरा वायदा है तुझसे। और इस सब में मैं आपके साथ हूं पापा। हाँ ये बता कि पुलिस वाली धमकी उनको दी थी या नहीं? दी थी पापा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं ली, मुझे बहलाने लगे कि जैसे मुझे कोई गलत फहमी हुई। डेढ़ होशियार बनते हैं, बहुत सियाने हैं, इन्हें तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो तूने धमकी उनको दी है, बस उस धमकी पे अमल कर, पुलिस स्टेशन जा, दोनों बाप बेटों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा। और मजेदारी की बात क्या है, वो केस लड़ कौन रहा है, चिराज का दोस्त साकिब, और साकिब के पास उस केस के हवाले से सारे सबूत मौजूद हैं, कागजात मौजूद हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा जीत हमारी होगी। आप ठीक कह रहे हैं पापा, पापा, लेकिन इस सब के बाद भी हमारे पैसे और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये सब तो वापस नहीं मिलेगा ना हमें। और फिर आप तो जानते हैं कि कोर्ट में सालों साल केस चलते रहते हैं। सही कह रही है बिल्कुल तू, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक आए, लेकिन इस केस से हमको फायदा ये होगा कि इब्राहिम अपने दिल के अंदर डरा रहेगा, सहमा रहेगा। गुलशेर, मैंने तुझे कहा था कि शिराज की कंपनी को मार्केट से पैसा नहीं मिलना चाहिए, कहां से मिला उसको पैसा? मलिक साहब, हमसे जय सच्चाई कसम लियो, हमारे को बिल्कुल नहीं पता, और मार्केट से पैसा मिल जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बंदा कौन है, उससे तो मैं निपट लूंगा, तू मुझे सिर्फ ये पता करके बता कि ये लोग कौन है जिन्होंने इनको पैसा दिया है और इनको कैसे मिले हैं ये। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम माहीन को अगवा कर लेते हैं तो तैवान के बदले में शराज हमें अपना सब कुछ दे देगा, मुझे यकीन है इस बात का। ये नहीं। अभी छोड़ दो इसे। मुझे कुछ सोचने दो, मैं सोचता हूँ फिर बताता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो और फिर मुझे बता देना।